क्वेश्चन नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी E and F, E is the midpoint, F is the midpoint, F is joined to A and E is joined to C. Two midpoints are there on the opposite side and they have been joined with the vertex of the parallel. Now you have to see, I have completely completed the parallel. This complete side is parallel. Why this line is parallel? E is the midpoint है। अगर हम कहें AB जो है वो parallel है DC के, तो दोनों का half भी जो है वो भी क्या होगा? Parallel। तो AB का half क्या होगा? AB। DC का half क्या होगा? FB। BAB या भी हो सकता है FCB, लेकिन हमें चाहिए FC। क्यों चाहिए ये? क्योंकि हमने इसको इस शेप को पैरेललोग्राम शो करना है, तो आपको AE के साथ FC पैरेलल, क्लियर? ये पैरेलल हो गया। अब ऐसे ही सेम वे में AB जो है वो BC के क्या है? इक्वल ही है, तो दोनों का हाफ क्या होगा? AB का हाफ आ जाएगा AE और DC का हाफ आ जाएगा, ये दोनों पेयर पैरेलल और If in a quadrilateral one pair of side is parallel and equal, then it is a parallelogram. एक और result होता है. If in a quadrilateral both the pair of opposite sides are equal, both the pair of opposite side are equal, then it is a parallelogram. And one another result is there. If in a quadrilateral both the pair of opposite sides are parallel, then it is also a parallelogram. दोनों पेयर की बात करें, सिर्फ इक्वल हो जाए तब भी पैरेललोग्राम होता है। दोनों ऑपोजिट पेयर, आश्ना मत क्लिक को क्या लिख रहे हैं, दोनों ऑपोजिट साइड के जो पेयर है वो अगर सिर्फ पैरेलल हो जाए तब भी पैरेललोग्राम होता है। बात समझ आई? या थर्ड रिजल्ट ये है जो अभी हमने यूज किया है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाए तब भी वो पैरेललोग्राम होता है। तो अभी हमने शो करा कि AE जो है वो FC के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मैंने कौन सी साइड बोली है जरूर पैरेलल और इक्वल? रिद्धि को मैंने क्या कौन सी साइड बोली है पैरेलल और इक्वल? AE एंड FC दोनों पैरेलल और इक्वल है, तो कौन सी फिगर पैरेललोग्राम बनेगी? तो भी पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है नया है? बोलो, आवाज ही गायब हो जाती है। बोलो राघव, आप बोलो। A E C F will become a parallelogram, ठीक है? अब ये parallelogram बन गया, ठीक है? अगर ये parallelogram बन गया तो इसके जो next ये वाला pair है ये भी इसके क्या हो जाएगा? Parallel और equal। Main ये इसलिए किया है क्योंकि अब ये use होने वाला है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे डायगोनल है, इसका नेम है BD। ये BD जो है ये तीन इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट हो रहा है। आपने शो करना है PQ, आपने शो करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये तीन चीजें इक्वल शो करनी है, ठीक है? अब हम इसके लिए ये अर्नब सीधे बैठे हो क्या हुआ? सुखने तो पीछे बैठो, वहां पीछे जगह बहुत सारी खड़ी है। ये देखो इधर, अब हम बात करते हैं इसमें ट्राइंगल की। एक्चुअली जो मिड पॉइंट है या उसका कन्वर्स है वो लगता है ट्राइंगल में, तो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब दो मिड पॉइंट दे रखे हैं एक ही ट्राइंगल में तो लगती है मिड पॉइंट, और जब किसी एक ट्राइंगल में एक मिड पॉइंट दे रखा है तो लगेगी कन्वर्स। अच्छा, जो प्रूफ ऑफ वो है ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जहाँ पे प्रूफ नोटबुक में लिखा है वहाँ ब्रैकेट में लिख लेना ओनली स्टेटमेंट। प्रूफ चाहे मत लर्न करना, लेकिन आप सिर्फ स्टेटमेंट अच्छे से करना है। लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम बोथ करनी है, स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, प्रूफ भी करना है। प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ स्टेटमेंट कर लेना नोटबुक पे, एड ऑन कर लेना ओनली स्टेटमेंट, ठीक है? और
जो मिड पॉइंट है उसके साथ बोथ स्टेटमेंट भी और इसका प्रूफ भी। अब यहाँ देखो, अगर हम ये ट्रायंगल ले लें, अगर ये ट्रायंगल ले लें, इसमें E क्या है? मतलब रख दो बस, J साइड इसकी क्या है? तो by converse of midpoint, Q will become the midpoint of इस ट्रायंगल की बात कर रही है, इसमें E already mid point था, J इसके पैरेलल है, कैसे? Q will become the midpoint of DP by converse of midpoint. अगर ये midpoint बन गया तो can we say that DQ is equal to QP? J portion इसके क्या हो गया? Q? Why? Because Q is the midpoint of DP. ठीक है, एक चीज आ गई। अब क्या शो करना है कि ये इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल कैसे शो होगा? फिर से लेंगे ट्रायंगल, लेकिन जसलीन ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ये दोनों को इसके इक्वल करना है आपस में। ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसमें ये दोनों आ रहे हो। जल्दी जल्दी, ऐसा ट्रायंगल जिसमें ये दोनों चीजें आ रही हैं। हाँ बोलो काबिल है, वेरी गुड। बी क्यू सी, बी क्यू सी में इधर देखो, इसमें पिछले विजिबल है, बी क्यू सी में एफ मिड पॉइंट है। हाउ? गिवन है, ये गिवन है। जे इसके पैरेलल है, टूट है या साइड्स ऑफ पैरेलल है, ठीक है। नाउ पी विल बिकम द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू बाय, तो डी पी पी क्यू के इक्वल है, जे इसके इक्वल है, पी क्यू इसके इक्वल है, इसमें तो कि तीनों आपस में क्या होगा? तो जब कोई चीज थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, दैट इज सेड टू बी ट्राइसेक्ट। तो ये लाइन जो है ट्राइसेक्ट हो रही है, क्लियर? ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कन्वर्स डबल अप्लाई हुआ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में मिड पॉइंट थ्योरम डबल बार यूज हुई थी, हुई थी कि नहीं पैरेललोग्राम शो करने में? तो यहाँ पे कन्वर्स डबल यूज हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के बेस। चलो लिखो, फिगर ड्रॉ कर लो, गिवन गिवन टू प्रूव लिख लो, जरा जब तक गिवन टू प्रूव लिख लो, फिर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे प्रूफ में? पैरेललोग्राम कैसे शो किया था? एबी क्या हुआ? ठीक है, ये लिखो प्रूफ। सबसे पहले ये आएंगे दोनों पास, ये प्रूफ भी लेंगे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, क्या लिखते हैं यहाँ पर? ए पैरेलल, ए पैरेलल, वन पेयर ऑफ, ये रिजल्ट हम बार बार पता क्यों रिपीट करते हैं? ताकि आपको लर्न हो जाए, हमें तो आता ही है, आपके लिए रिपीट करते हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपने थ्योरम ही रीड करी होगी अब तक। है कोई जिसे एट टाइम थ्योरम की स्टेटमेंट 2-3 टाइम्स रीड करी हो? सच बोलना है कोई क्लास में? नहीं, तो बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि आपको लर्न हो जाए। पहले ये लिखना है, opposite side is parallel and equal, then quadrilateral is a parallel. This implies
पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है? गगन पैरेललोग्राम कौन सा बन रहा है? ए डिसाइड करो क्या लिखना है, जस्ट क्लिक करो ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ पैरेलल। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, अब क्या करना था नेक्स्ट? पहले ये लिखेंगे ए एफ इज इक्वल टू AF is parallel to EC and AF is equal to EC। पैरेललोग्राम है ना, तो दोनों चीजें लिखी, जरूरत आपको सिर्फ पैरेलल की है, लिख दिया यूज करना हो तो कर। अगर ये पूरी साइड इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं EQ इसके क्या है? EQ किसके पैरेलल है? AP के। नेक्स्ट FP किसके पैरेलल है? ठीक है, ये क्यों लिखा है मैंने? वो आगे यूज होना है, कहाँ पर यूज होना है? ट्रायंगल पर, हाँ जहाँ पे कन्वर्स अप्लाई हो रहा है वहां पर, रिलेशन है जहाँ पे कन्वर्स लगना है वहां पर यूज करना है, इसलिए लिखा है। ट्रायंगल कौन सा लेना है? चलो बोलो आगे। ट्रायंगल ए बी पी ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, इसमें कन्वर्स लगाना है, बोलो कैसे लगाएंगे? नहीं पता, जैसे क्या कर रहे हो बैठ के? सच बोलना, कुछ नहीं समझ रहे हैं? फिर क्या कर रहे हो जब पता ही नहीं आपको कुछ? तो दीदी मैं बोलो इतनी देर लगाएंगे तो चैप्टर कब कंप्लीट होगा? ट्रायंगल लेगा तीन से पहले भी तो कुछ लिखेंगे। ई इज द मिडपॉइंट और ई मिडपॉइंट है और क्या है? EQ पैरेलल है AP के, दिस इंप्लाइज Q इज द, जब आपको कहा जाता है बोलने के लिए तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। आप कम से कम ट्राई तो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा ना, क्या उससे ज्यादा भी कुछ हो जाएगा? कम से कम ट्राई तो करो। कन्वर्स अप्लाई किया, एक मिड पॉइंट है, साइड पैरेलल है, देन अनदर पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट, दिस इंप्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP या PB, ठीक है, मिड पॉइंट बन गया। इसका मतलब क्या हो? ये हमने क्या लगाया है? कन्वर्स ऑफ, इसके बाद क्या होगा? अगर Q मिड पॉइंट है तो क्या होगा? PQ BQ is equal to QP, BQ is equal to QP. अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे? एक ट्रायंगल और भी तो लेना है, अच्छा बोलो, एक और ट्रायंगल लेना है ना, नहीं बोलो? इन ट्रायंगल PQC, हाँ जी, PF is parallel to QC, by converse of midpoint Q and B, B is the midpoint of P2. Then what will happen? Very good. PP is equal to PQ. This implies PP is equal to PQ is equal to PQ. ये इसके इक्वल है और PQ किसके इक्वल है? तीनों आपस में क्या हो गए? तो इसका मतलब कौन सी लाइन ट्राइसेक्ट होगी? BD या BB ट्राइसेक्ट होगी, वो एंगल।
फॉर्मूले रिवाइज कर लो, उसके बाद भी कही हो कि फॉर्मूले रॉन्ग है, पता है? फॉर्मूले लर्न करने का मेथड ये है, सुन लो एक मिनट। जब बात करते हैं वॉल्यूम की तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट कर देते हैं। जैसे सपोज मैं बात करती हूँ सिलेंडर की, सिलेंडर का बेस कौन से टाइप का है, सर्कल का एरिया क्या होता है, उसकी हाइट क्या है, मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम सबका ऐसे है, एरिया और बेस इनटू हाइट। नहीं लर्न होता तो ऐसे कर लो। हाँ जी, और कर्व्ड सरफेस एरिया में देखो, इधर अगर हम इसी की कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो पेरीमीटर और बेस, हाँ जी, पेरीमीटर मतलब सर्कमफेरेंस क्या होती है, इनटू हाइट, तो बन गया कर्व्ड सरफेस। सबके ऐसे है, फिगर ड्रॉ करो उसके बाद उसका बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। वॉल्यूम के लिए एरिया और बेस इनटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, कर्व्ड प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम। वो भी ऐसा एक लाइन वाला प्रॉब्लम। हाँ जी, क्लियर है आपको? टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व आपको फॉर्मूले से बनाना आ जाएगा, उसमें एरिया ऑफ टॉप और बॉटम ऐड कर। आज आपने घर जाके जितनी भी फिगर है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिक्स चीजें हैं, सबके फॉर्मूले जिस तरह से मैंने अभी बताया है ऐसे ही फिगर ड्रॉ करके सबके फॉर्मूले एक बार रिवाइज करके आ, सुन लिया? कल आप में से टर्न आएगी, आप फिगर बना के मुझे बताओगे कि किसका फॉर्मूला कैसे बनाया आपने। जब आप एक बार इस मेथड से कर लोगे ना, ज्यादा काम नहीं है, 10 मिनट्स लगेंगे घर जाके आपको। फिगर ड्रॉ करो, पेरीमीटर इंटू हाइट करोगे तो कर्व सरफेस एरिया, एरिया इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बस ये करना है, फॉर्मूले लर्न हो गए। एरिया तो आपको छोटी क्लासेस से आप करते हुए आ रहे हो, सबको आता है, ठीक है? तो आज आपने घर जाके रिवाइज करना है, और ये 3 क्वेश्चन जो भी आज हो जाएंगे, 5th हो गया, 5th क्वेश्चन, 6, 7 देख लेते हैं, जो भी हो जाएगा वो रिवाइज करके आना। कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्लास, प्रोबेबिलिटी हो गया हुआ है, मे बी शायद वो होगा, देखो। हाँ जी, पॉलिनोमियल्स करवा चुके हैं आपको, पॉलिनोमियल्स करवा चुके हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कर चुके हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं बता दूंगी आज से, मेरे पास है, मैंने थोड़ा सा देख लिया, कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, हां कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, वो भी है, बस प्रोबेबिलिटी और सर्कल रह गए, मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी है सर्कल शायद आ गया, मैं देख लूंगी आज बताती हूं। हां जी, क्वेश्चन नंबर 6, show that the line segment joining the midpoints of the opposite side of a quadrilateral. Yahan dekho,
एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया कोई कहता है इसके मिड पॉइंट्स को जॉइन करते हुए शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड का मतलब ये है या ये है, ये दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कौन सी साइड है? एडजेसेंट. याद रखना एडजेसेंट को नहीं मिलाना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में. बस ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को जॉइन करती हुई जो लाइंस हैं, प्रूव करो कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मींस इक्वली डिवाइड कर रही है, ये इसके इक्वल, ये इसके. अच्छा, जब कोई दो चीजें आपस में बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, अगर हम ये शो कर दें, जो मैं आप बताने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, फिगर ये बन रही है क्वेश्चन में. अगर हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर दें, इसको कर दें ज्वाइन, तो बीच में एक फिगर बन गई, और बीच वाली जो फिगर है उसके लिए क्या बन रहे हैं? और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं किसके? पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? स्क्वायर के भी करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले बेसिक कंडीशन होती है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, सारे टाइप ऑफ पैरेललोग्राम. तो किसी भी चीज को स्क्वायर बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए, रोम्बस बनाने के लिए पहले उनको पैरेललोग्राम बनना पड़ता है. अगर हम ये शो कर रहे हैं, ये जो बीच में फिगर बन रही है पी क्यू आर एस, ये पैरेललोग्राम है, तो ये शो, अगर ये फिगर पैरेललोग्राम शो हो जाए तो ये तो अंडरस्टूड है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ही है. सिर्फ इतना ही काम करना है, ये शो करना है कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेलल. आपको फर्स्ट, आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन याद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मत करो आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम शो किया है. कैसे? मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, लियो में क्वेश्चन में. अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दे, ये क्या बन गया? J और D क्या है? Line segment joining the midpoint of two sides is parallel to the third side and equal to half of it. Similar in triangle ABC, if we take PQ, P and Q are the midpoint, then the line segment PQ will be parallel to AC and equal to half. Then if these pair are parallel and equal, then PQRS is a parallel. And we already knew that डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट हो जाए, तो वो अपने आप जो है पी आर और एस क्यू बाइसेक्ट कर जाए, जो शो कर रहा है. अगर चारों साइड बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तब भी पैरेलल है, बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल होता है तब भी पैरेलल. ठीक है, क्लियर है? लिखो. फिगर ड्रॉ करो जल्दी से. तो मैंने कोऑर्डिनेटर बनाया था, तो मैंने टाइमर बनाया था, कोऑर्डिनेटर ना टाइमर बनाया था, टाइमर बनाया था, हाँ, इसलिए ऐसे बनाया. मैंने कोऑर्डिनेटर ड्रॉ किया, ठीक है, आपने कोई और फिगर नहीं बना दी, कोऑर्डिनेटर ही बनाना है. लाइन देखा है, कोई भी सिमेट्रिकल नहीं है, कैसे मर्जी बना दी मैंने. हाँ जी, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गिवन क्या आएगा? ABCD से कोऑर्डिनेटर PQRS आर मिड पॉइंट्स. PQRS आर द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट्स P कॉमा Q कॉमा R एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DE.
रिस्पेक्टिवली। अच्छा आपको ये पता है अगर रिस्पेक्टिवली वर्ड ना लिखा हो तो क्या हो जाएगा? तो फिर आप जिस मर्जी वे में क्वेश्चन कर दो तो मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप जिस मर्जी का मिड पॉइंट ले सकते हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब है फर्स्ट वाला फर्स्ट को कोऑर्डिनेट कर रहा है सेकंड सेकंड के साथ, लेकिन रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा तो वो मिड पॉइंट किसी का भी ले सकते हैं। कल 10th क्लास का मैथ्स का पेपर था ना, वहाँ पे क्वेश्चन में रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा हुआ था, तो वहां पे कल ऐसा ही हुआ। तो जिस वे में भी आंसर देंगे तो मार्क्स मिलेंगे वहां पर, मतलब जिस भी पे से वो सॉल्व कर रहे हैं वो हम रॉन्ग नहीं कह सकते, जैसे मर्जी कर सकते, ठीक है? तो ध्यान रखना है इस चीज का। दोबारा कई बार पता नहीं डिस्कस होता है कि नहीं होता है, इसलिए याद आ गया इसलिए बता दिया। हाँ जी, तो आप पी को किसी का भी मिड पॉइंट ले सकते। हाँ जी, लिख लिया गिवन। टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या शो करना है? पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, PR and SQ bisect each other। ये क्या लिखा है हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइंस है ना वो बाइसेक कर रही है, मतलब RP और SQ जो है वो शो करना है बाइसेक्ट कर। उसके बाद हमने क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, क्या किया है? ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। अच्छा पहले ज्वाइन AC कॉमा और क्या क्या ज्वाइन किया है? ज्वाइन एसी आर एस आर क्यू एस पी पी क्यू सबको ज्वाइन किया, ये गिवन नहीं था ना, हमने ज्वाइन किया ये। क्लियर है? ठीक है, अब क्या करेंगे प्रूफ में? प्रूफ में क्या करेंगे अविश, क्या करेंगे? हाँ जी, ट्राइंगल का नेम बोलो। इन ट्राइंगल एडीसी पहले एडीसी में बोलो तो सही, क्या करेंगे? अगर आपने ये नहीं लिखा ना तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रायंगल एरिया। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, वो वाली कौन सी वाली? मिड पॉइंट की, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग mid point of two sides is parallel to third side, short में लिख लेंगे। आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सिमिलरली इन ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल कौन सा है? दो वे में लिखा है, पहले मैंने लाइन लिखी फिर मैंने ये लिखी, आप चाहो तो ये हटा के बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते। ये क्यों लिखी है? रिकॉल करने के लिए, ठीक है? आप बाय मिड पॉइंट थ्योरम भी लिख सकते हो। सिट डाउन नाउ, पी क्यू विल बिकम parallel to AC and PQ is equal to half of, this implies PQ is parallel to RS and PQ is equal to RS. Is it okay? ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से लिखा मैंने? ये ऊपर दोनों की right hand side। हाँ, दोनों को combine करते हैं। RS half of AC के equal है, PQ भी half of AC के equal है, दोनों को combine करते। RS AC के पैरेलल है, PQ भी AC के पैरेलल है, तो AC को रिमूव करके दोनों को आपस में पैरेलल। ये क्यों किया है? पैरेलल। अब क्या लिखेंगे? This implies PQRS is a parallelogram. Then what will happen? Diagonals of parallelogram bisect.
bisect each other. That means PR and SQ will bisect each other. This implies the diagonals of parallelogram bisect each other. This implies PR and SQ bisect each other. Any doubt? Clear? Ashita, tumne samajh aa raha hai? Ashita, tumne samajh aa raha hai? Kya hai? Rule number 1, 16,